एक्चुअली मैं उड़ान सीरियल कर रही थी एक साल से। सरोज काकी का कैरेक्टर था मेरा, बट वहाँ पे ये भैया जी जो हैं साई बिलाल, उन्होंने मुझे मतलब थोड़ा सा हैरेसमेंट वहाँ पे चालू कर दिया था। एंड ही वुड सेंड मी दिस पॉर्न क्लिपिंग्स प्लस मतलब काफ़ी ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस और क्लिपिंग्स आते थे। और उसकी वजह से जब मैंने प्रोड्यूसर को कंप्लेन किया तो उन्होंने मुझे इस रोल से निकाल दिया। मैं इसलिए ये लड़ाई लड़ना चाहती हूँ क्योंकि बेसिकली आई एम अ प्रिंसिपल, और उसकी वजह से ये ऐसा हो गया है कि एक लेडी को इतना इनजस्टिस क्यों सहन करना पड़ता है। और हमारे लॉयर आपको बता देंगे कि इसमें क्या है, आपको क्या ज़्यादा जानकारी चाहिए है, आप इनसे पूछ लीजिए के बारे में कि साईं बिलाल को आप किस नजर से देखती हैं और क्या चाहती हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे जस्टिस मिले। मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये लड़ाई जो लड़ रही हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं अकेली लड़ रही हूँ, हमारे लॉयर्स जो हमारे साथ हैं वो हमारी बहुत सहायता कर रहे हैं, मुझे इस लड़ाई में आगे वो मुझे लेके जा रहे हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ ये लड़ाई आधी लड़ के लोग पीछे हट जाते हैं, मगर मैं इसलिए लड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद के लिए नहीं, मैं दूसरी औरतों के लिए जो इस इंडस्ट्री में फीमेल्स हैं, जो ये फीमेल्स ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट या इस तरह की जो भी चीज़ें चलती हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उसकी वजह से जो भी उनको तकलीफें होती हैं और वो बेचारी चुप हो जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाती है। बट क्योंकि मैं ये एक पैशन के तौर पर करती थी और ये मेरी लाइन इतनी नहीं है, क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ एक प्री स्कूल की, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये लड़ाई इसलिए आगे लड़ूँ कि दूसरी लेडीज़ को ये हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए और आगे ये फिल्म इंडस्ट्री में चीज़ें नहीं हो और ये बंद हो जाए। मैम, जैसे कि आपने कहा कि पॉन क्लिपिंग्स भेजते थे और घटिया मैसेज करते थे, तो ऑन सेट कैसा व्यवहार था उनका आपके साथ, किस तरह से व्यवहार करते थे आपके साथ और किस तरह से इंटरेक्शन होता था आप दोनों के बीच? ऑन सेट पे ऐसा था कि हम लोग एक दूसरे से ज़्यादा मिलते तो नहीं थे, क्योंकि वो ठाकुर साइड के थे, हवेली साइड के, और हम गांव साइड के थे। मगर जब भी मिलते थे वो अपना मतलब कुछ भी बोल देते थे कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मुझे मिलो, मेरे रूम में आओ, जो भी इस तरह की बातें करते थे। काफ़ी घटिया बातें भी करते थे, मगर मैं उनको सर प्लीज़ आप मुझसे ऐसे, हालांकि मैं उनको हमेशा सर करके बोलती थी, आप प्लीज़ हमसे ऐसी बातें मत कीजिए, और मैं बोल के उनसे कतर के निकल जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद अगर मैं उनसे नहीं ज़्यादा बात करूंगी तो ये मैटर यहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था एक सेट पे काम करके लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और माहौल वहाँ का ख़राब नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैं ये चीज़ चुपचाप बर्दाश्त करती थी। मगर हद से इतनी ज़्यादा बात हो गई थी, और किसी ने जब मैंने कंप्लेन किया, किसी ने हमारे जो सीनियर एक्टर्स थे जो हम एक साल से काम कर रहे थे, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि प्रोड्यूसर ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे ये लड़ाई लड़नी है। तो आपके